हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी मूवी सीरीज को और जन्म देने वाले हैं एक ऐसी सीरीज को जो शायद से बाद में लोग याद रखें। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं अब रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ 30 दिन तक फॉर माई ओन कंसिस्टेंसी। और एक दो पर्सनल चीज़ें नहीं है, सब चैनल से रिलेटेड हैं। तो एक चीज़ ये है कि 29 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इस महीने में मैं कितने भी सब्सक्राइबर खींच सकता हूँ मैं उतने खींचूंगा, ताकि थोड़ा दिल को सेटिस्फेक्शन हो। यार 3 साल से लगा पड़ा हूँ, अब थोड़ा चलना चालू हुआ, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि चले। ठीक है, तो अब बातचीत कम करते हैं। आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है रायन धनुष ने डायरेक्ट करी है और रिटर्न करी है। ये वैसे मेरे को मूवी के एंड में पता चला था, मतलब याद नहीं था। ठीक है, मैं हूँ थोड़ा नादान परिंदा, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को कुछ। हाँ, वैसे ये बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मूवी के डायरेक्शन स्टाइल को तुम देखे हुए कुछ शॉट में ऐसा लगेगा अरे खूब, बहुत खूब काम किया गया। रायन मूवी शुरू होती है इसके बैकग्राउंड सेटअप से ब्लैक एंड वाइट में, हाँ, जो कि मेरे को एक पर्सनली अच्छा कॉल लगा डायरेक्टर की तरफ से, धनुष की तरफ से। जब तुम कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखा दो तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा लगने लग जाती है आईज़ को कि अरे हाँ पुरानी चीज़ है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारा सिनेमा पहले ब्लैक एंड वाइट था, इसलिए तो वो फील अगर किसी ने भी देख रखी है तो उसको थोड़ा वो फील आ जाती है कि अच्छा 90s में पहुँच गया हम वैसा। तो शुरुआत ही मूवी की होती है ब्लैक एंड वाइट मूवी कलर पैलेट से, और वो उसमें दिखाते हैं बॉन्डिंग उन 3 भाई बहनों की रायन के साथ, जो कि उसके बच्चे जैसे हैं, क्योंकि शुरुआत से उसने ही पाला है और उसे पता नहीं कि एक दिन उसके मम्मी पापा कहाँ गायब हो गए, क्या किसी ने ठोक दिया या वो जानबूझ के खुद चले गए। वो जो चीज़ है वो वहाँ से अपलिफ्ट होनी चालू करती है स्टोरी, और फिर एक खून हो जाता है, उसके बाद उसे अपनी जगह से भागना पड़ता है। ये बेसिक प्लॉट है बैक, ठीक है, और फिर वो एक नए शहर में आके बसना चालू करता है, कैसे वो दिखाया गया और वो इम्पोर्टेंट है भी। और मूवी के शुरुआत के 30 मिनट बस मूवी सेटअप हो रही होती है, मतलब वो दिखाते हैं कि पेशेंस बताए जा रहे होते हैं उनके भाई बहनों उसके भाई बहनों के साथ कि कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ें खराब चलती हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे आता है, और उस हालत में जो वो काम कर रहा है और वो अपनी फैमिली को संभाल रहा है एज अ फादर फिगर ऑल्सो, तो वो चीज़ें दिखाने में ही 30 मिनट लग जाते हैं इंसान। और मूवी देखते देखते अब मेरे को एक चीज़ हिट करने लगी है कि बहुत मूवीज ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा डायलॉग दे देती हैं जो कि लीड कैरेक्टर होता है, बट यहाँ पर रायन एज अ फादर फिगर दिखाया गया, वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करता है और उस कैरेक्टर को जो डेप्थ देनी चाहिए ना वो दी गई है। मतलब वो ज़्यादातर तुम्हें शांत दिखेगा, शांत इन एवरी सेंस, मतलब उससे तुम बात करोगे तो भी बहुत कम बात करता, तुम्हारी पूरी बात सुनेगा उसके बाद रिएक्ट करेगा, बट जब वो रिएक्ट करता है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाता है अगर उसको जाना पड़े तो। बट वो हमेशा जैसे वो होता ना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सॉरी भी मांगने को तैयार होते हैं लोगों से, वैसा वाला सीन होता है शुरुआत में, बट जब वो अपनी दूसरी साइड जो कि रायन से मिलती हुई रावण की है वो बाहर निकालता है अपनी फैमिली के लिए, तो शायद से ही कोई बीट कर सकता है उसको उसमें। तो बॉन्ड जो मैंने शुरुआत में बताया वैसा ही इस मूवी में सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट करने वाला बॉन्ड है वो रायन और उसकी बहन दुर्गा का है, क्योंकि जो वो भाई बहन का प्यार है उसने बचपन से उसको पाला बड़ा किया है, तो वो इन अ वे फादर फिगर ही है, क्योंकि हर भाई के अंदर कहीं ना कहीं होती है एक फादर फिगर वाली पर्सनैलिटी अपनी बहन के लिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर, तो वही और उसके लिए कुछ भी कर जाने वाली चीज़। तो सेम मूवी में ऐसा होता है कि एक टाइम पे उसको ऑप्शन मिलता है कि तुम अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर कर लो या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको अपने पास रखो, तो वो अपनी जो भी उसने आज तक 30-20 साल में जितना भी कमाया है वो सारा दे देता है कि मेरे को कोई नहीं, मैं वापस से आ जाऊँगा स्क्वायर वन, बट तेरे लिए अभी ज़रूरी है क्योंकि हमारी फैमिली एक तरीके से बढ़ेगी, वो उस साइड की भी अगर बहन की साइड की देखो तो फैमिली तो बढ़ेगी, तो अच्छा लगेगा उसको कि हाँ उसने मिडिल क्लास होके भी कुछ उखाड़ लिया, कुछ सपने पूरे कर पाया वो किसी के। तो रिवेंज स्टोरी हमें जब दिखाई जाती है कि रायन के भाई के साथ कुछ गलत हो जाता है और वो गलती से कुछ गलत कर देता है और उसके कॉन्सिक्वेंस रायन को झेलने पड़ेंगे या रायन की पूरी फैमिली को झेलने पड़ेंगे। फिर जब हमें दिखाया जाता है कि रायन का असली रूप, रायन सिर्फ सिमिलर नहीं लग रहा रावण से, वो है इन अ वे पूरा रावण, अगर उसके घर पर बात आती है तो वो रावण से ऊपर चला जाता है और वो पहुंच जाता है अपने दोनों भाइयों को लेके उस जगह पे जहाँ धमकी मिली थी, और फिर वो जो भौकाल मचाता है सेट करता है सामने रावण या मतलब रायन और उसके दो भाई पीछे बैक देने के लिए,
और कट टू यहाँ पे मैं अब बात करना चाहूंगा, वो ऐसा सीन है कि तुम ना इसके ट्विस्ट को, इस मूवी का जो मेजर ट्विस्ट है उसको तुम परख ही नहीं पाते हो। आधी मूवी के बाद या आधी मूवी के पहले आता है वो, आधी मूवी के बाद आता है वो प्लॉट, और जो प्लॉट ट्विस्ट है वो नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि तुम शुरुआत से देखते हो वो फादर फिगर की तरह है लोगों के, अपने भाइयों के, बट जब भाई उसके बिट्रे करते हैं, दोनों चाकू भोग देते हैं, एक तो उसका प्यारा था, वो तो खुद कहता था कि मैं भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो जो हिट करता है तो ऐसा लगता है कि इसने तो दिमाग की ऐसी तैसी कर दी मेरी, मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। और फिर हमें जो ट्रेलर में एक डायलॉग सुनाया गया था कि अगर शेर को अगर कोई लकड़बग्घा अपने दिमाग से हराने की कोशिश करे तो मुश्किल होगा शेर के लिए जीतना, और वही हमें दिखाया जाता है कि शेर हो चुका है घायल खुद के दोनों बच्चे शेरों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मार दिए हैं दोनों ने पंजे, एक ने नहीं दोनों ने पंजे साथ में लगाए, और जो लकड़बग्घा है वो अपना प्यार दिखा रहा है नकली वाला, और उनको अपने अंडर में कर रखा है या अंडर में कर रखा है। यू नो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है कि उसकी बहन के साथ, मतलब उसकी बहन के साथ भी कुछ गलत होता है, जब ये सारी चीज़ें चल रही होती तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है उसी बीच में, जब और उसी बीच में जब विलन के भाई उसको उठा के ले जाता है वो उसके साथ गलत करता है, और ये रावण और यू कह लो कि रायन बदला लेता है दुर्गा का उसी के हाथों से, उसको दिलाता है बदला कि तुझे जो करना है ये तेरे वाला हवाले। फिर जो एंड प्लॉट चालू होता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि हम सुधर गए हैं या हम लड़ाई नहीं करेंगे, अब सब पीस पे ख़त्म होगा, तो यू आर इन वेरी बिग इल्यूजन, तो समझ लो गाइस धोखा दोगे तो खाओगे। फिर फैमिली रिवेंज होता है बहुत तगड़े वाला, जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं बिल्कुल हिट करता है, और तो तुम्हें पता ही है कि प्रेडिक्टेबल हो जाती है उसके बाद स्टोरी। पीस ट्रीटी साइन करने गया होता है सिद्धू से, और वो दिखाता है कि मैं सब अपना अतीत जला चुका हूँ, वो एक शॉट है तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट जब मैंने देखा वो शॉट तो दिखाया जाता है कि उसकी बहन दुर्गा उसको मनाने आती है, तो वो अपना जो पहला डांस मूव है वो आग के पीछे कर रहा होता, तो उसमें सिंबलाइज किया गया कि वो अपने सारे जो अतीत की चीज़ें वो एक तरीके से जला चुका है, बट वो नाटक कर रहा होता है, वो सब अंदर ही बिखे, अंदर ही दबा के बैठा होता है, और बस वो ऊपर ही मन से नाच रहा है, ठीक है। और फिर जब वो वापस से दुर्गा की वजह से आता है इन एक्शन, और जब वो आता है रावण उसके अंदर का जो हमें लगता है कि रावण है, तो वो उसी आग में से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है कि आग पीछे चल रही है और वो आ रहा है वहाँ से बिल्कुल उसी स्टाइल में, और आखिर में उसने अपना बदला लिया जो उसको लेना था। और रायन को ना रावण दिखाया गया इन स्मोक शॉट, एक होता है जिसमें वो एंट्री ले रहा होता है लास्ट सीन में, फाइट सीन में, तो दिखाया जाता है कि स्मोक के बीच वाले सर पे रायन की मुंडी और वो आगे आ रहा होता है, बिल्कुल वैसे दिखाया जाता है। तो वो एपिक सीन जहाँ पे भी रायन या किसी और को रावण डिपिक्ट किया गया ना शॉट्स में, वो ही सबसे ब्यूटीफुल लगता है कि हाँ चैलेंज कर रहा है तुम्हें। और मूवी में दिखाया जाता है कि इस रावण ने, असली रावण का पता नहीं पर ये जो रावण है रायन नाम का, इसने अपने आस्तीन के दोनों सांपों को मार दिया, और मैं गलत था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा जब मैं ये वाला गलत हुआ कि रायन रावण नहीं था, मतलब डिपिक्ट ज़रूर किया है धनुष ने एक शॉट में ताकि ऑडियंस शुरुआत में कन्फ्यूज़ हो और वो समझ ना पाए कि हो क्या रहा है, बट जब लास्ट सीन में उसका भाई दूसरा जो सबसे हरामी वाला होता है दिखाया गया कि वो रावण है, उसको डिपिक्ट किया गया है शॉट से, तो वो बहुत तगड़ा लगता है, और उसको फिर मारता है जो रायन, और रायन का अंत ही उसका आरंभ है जो कि बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी, या ख़त्म वहीं होता है जहाँ शुरुआत हुई थी, एक गाड़ी के अंदर वो अपने घर से दूर नए घर की तलाश में। तो ये मूवी बहुत अच्छी लिखी गई है, राइट रिटन एंड डायरेक्टेड बाय धनुष है, तो मेरे को अच्छी लगी कि डायरेक्शन स्टाइल मेरे को पक्के से अच्छा लगा लास्ट के कुछ शॉट की वजह से, और रिटन स्टाइल भी अच्छा है, मतलब एक जो प्लॉट है ना वो प्लॉट ट्विस्ट है मेजर, क्योंकि वो जो प्लॉट ट्विस्ट है ना वो तुम नहीं इमेजिन करते हो शुरुआत में, इसलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिनों से दूर रहना, मैं आऊँगा नई वीडियो के साथ अगले दिन, तो स्टे ट्यून्ड रहना, सब्सक्राइब करो, और अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और मुझे अगले दिन नहीं पाओ, टाटा बाय बाय।